लोग यीशु को नहीं जानते, जीसस को नहीं जानते, हम कहते जीसस खुदा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये थ्योरी आखिर आया कहां से। ये 1.5 करोड़ से भी ज्यादा आबादी आखिर जीसस क्राइस्ट को भगवान क्यों मानते हैं। दरअसल दोस्तों ये थ्योरी आया बाइबल की एक वर्स से, जो कि है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 30 में लिखा हुआ है कि आई एंड माय फादर आर वन, मैं और मेरा पिता है हम दोनों एक है। और बहुत सारे क्रिश्चियन लोग मानते हैं जब यहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने कहा कि हम और मेरा पिता हम दोनों एक है, तो यहाँ पे ये लोग मानते हैं कि नहीं, जो भगवान है वही जीसस क्राइस्ट है और जो जीसस क्राइस्ट है वही भगवान है। मतलब समझे। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये वर्स वहाँ पे है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 30 में लिखा हुआ है, आई एंड माई फादर आर वन। और आप लोगों को भी लगेगा कि यहाँ पे तो जीसस क्राइस्ट ने क्लेम किया है खुद को कि मैं गॉड हूँ, और यही वर्स दिखा दिखा के क्रिश्चियन लोग मतलब सबको कबूल करवाते हैं कि ईसा मसीह वो अपने आप को क्लेम किया है वो गॉड है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, देयर इज नॉट अ सिंगल एंड एम्बिगुअस स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल वेयर जीसस क्राइस्ट इज अपने हिमसेल्फ सेज दैट आई एम गॉड वर्शिप मी। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अगर एक भी वर्स मुझे दिखा दे जहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं खुदा हूँ मेरा इबादत करो, तो मैं आई विल एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी टुडे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा है माई फादर इज गेटर देन आई, माई फादर इज गेटर देन ऑल। जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग। जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा आई कास्ट आउट डेविल्स विद द फिंगर ऑफ गॉड, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। ये सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर आप गॉस्पेल ऑफ मार्क पढ़ेंगे चैप्टर 12 वर्स नंबर 29 तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है, हियर वो इजराइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 30 का मतलब क्या है, वहाँ पे क्यों कहा आई एंड माई फादर आर वन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए ना, कब कहा कि हम और मेरा खुदा हम दोनों एक है, क्यों कहा। अब पहले कॉन्टेक्स्ट को पढ़िए, ठीक है। तो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 23 से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोलोमन का मंदिर है, वहाँ पे आता है जीसस क्राइस्ट और इधर उधर टहलने लगता है, और कुछ यहूदी आकर के मतलब कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कौन है। यहूदी लोग ईसा मसीह को कहते हैं, क्या आप वही हो जिसका आने का वक्त है, क्या आप वही हो, क्या वो मसीह आप हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने क्लियरली कहा है यहाँ पे कि मैं जो भी काम करता हूँ वो प्रूफ करता है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, ठीक है। मेरे जितने डिसाइपल्स है वो लोगों को मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता, या तो मेरे पिता से उन लोगों को कोई छीन नहीं सकता, मैं और मेरा पिता हम दोनों एक है। समझे बात को, तो कॉन्टेक्स्ट को समझिए ना, मतलब यहाँ का दोनों का काम का उद्देश्य जो है वो एक है, ठीक है। वो कह रहा है कि मेरा जितना भी डिसाइपल्स है वो लोगों को आप लोग छीन नहीं सकते मेरे हाथ से, या तो मेरे पिता की हाथ से। तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट बनता है दोस्तों। जबकि जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा है इस मेंशन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 30 में, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर अ जज, जैसा मैं सुनता हूँ उस तरीके से विचार करता हूँ, एंड माई जजमेंट इज जस्ट, और मेरा विचार सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने कहीं भी आप एक भी वर्स नहीं दिखा सकते जहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि मैं खुदा हूँ मेरा इबादत करो। अगर आप एक भी मुझे वर्स दिखा दे जहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि मैं खुदा हूँ मेरा इबादत करो, तो टुडे आई विल एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, एक वर्स दिखा दो।